हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास सिक्स अ पैक्ट विद द सन से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि दो पक्षियों की कहानी। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे आज। क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर हमें स्टोरी अच्छे से पता होती है लेसन की, तो हमें क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करने में, समझने में इजी रहता है। तो अगर आपने इस स्टोरी को नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और स्टोरी को पहले देखे, समझे और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर लर्न करें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। जो दो पक्षी थे वो किस तरीके से अलग हुए थे। ओके, तो इसका आंसर आप लिखोगे, द बेबी बर्ड्स लिव्ड इन अ टॉल ट्री अलोंग विद योर मदर। जो बेबी बर्ड्स थे वो अपनी माँ के साथ रहते थे, माँ पक्षी के साथ, एक ऊंचे से बड़े से पेड़ के ऊपर। ओके, वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म, और एक बार क्या हुआ, एक तूफान आ गया, भयंकर तूफान आ गया, एंड द ट्री केव डाउन, और जो पेड़ था ना, जिस पेड़ पर वो रहते थे, वो टूट जाता है, गिर जाता है। द मदर बर्ड वॉज किल्ड, और उस टाइम पर जो उनकी माँ पक्षी थी वो मर जाती है। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू द टू बेबी बर्ड्स अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और उस तूफान में तेज हवा चल रही थी, और वो हवा जो है उनको बहाकर दूर कहीं ले जाती है, जंगल के दूसरे कोने में, दूसरे हिस्से पर। एंड दस दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और इस तरह से वो दोनों पक्षी उस तूफान में अलग हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम। जो दोनों पक्षी थे जब वो अलग हो गए थे, तो उनको अपना घर कहाँ पर मिला था। तो इसका आंसर आप लिखोगे, वन ऑफ द बेबी बर्ड केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक पक्षी जो था वो उड़कर गिरा था एक गुफा के पास, जंगल में एक गुफा थी, वहां पर कौन रहते थे, रॉबर्स रहते थे, रॉबर्स का एक गैंग समूह, लुटेरों का एक समूह रहता था वो। द अदर बर्ड लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि's आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा पक्षी था वो गिरा था उस जगह से थोड़ी दूरी पर, एक ऋषि का आश्रम था वहां पर। तो इस तरह से जो दोनों पक्षी थे, एक पक्षी रॉबर्ट्स की केव के पास जाके गिरता है, और एक पक्षी ऋषि के आश्रम में जाकर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन था, स्ट्रेंजर था एक राजा। तो जो पहला पक्षी होता है, जब वो राजा को देखता है तो क्या कहता है, तो इसमें आप लिखोगे, द फर्स्ट बर्ड सॉ द स्ट्रेंजर द किंग, ही कॉल्ड द रॉबर्स टू हरी अप एंड रॉब द किंग्स ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। तो जो फर्स्ट पक्षी था, जब उसने स्ट्रेंजर यानी कि राजा को देखा था, तो उसने क्या किया, उसने रॉबर्ट्स को आवाज लगाई, लुटेरों को आवाज लगाई कि देखो देखो जल्दी करो, यहाँ पर कोई आया है, इसकी जो सारा धन है, जो भी सारी हीरे जवाहरात वगैरह जो भी कुछ राजा के पास है वो सब लूट लो, और साथ ही साथ उसका घोड़ा है वो भी लूट लो। तो जिस तरह से वो सुनता था लुटेरों की बातें, वैसे ही उसने उस टाइम पर की उस स्ट्रेंजर के प्रति, यानी कि राजा के प्रति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम। अब सेकंड बर्ड जो था वो कहां पर गिरा था, वो गिरा था एक ऋषि के आश्रम में। ओके, तो सेकंड बर्ड क्या कहता है अजनबी राजा से, इसके आंसर में आप लिखोगे, द सेकंड बर्ड वेलकम्ड द किंग टू द आश्रम। जो दूसरा पक्षी था उसने राजा का स्वागत किया आश्रम में, वेलकम किया, एंड ही रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू ड्रिंक वाटर, टेक रेस्ट एंड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल। और उसने राजा से रिक्वेस्ट की कि आप आश्रम में आ जाइए, आराम कीजिए, पानी पीजिए, और साथ ही साथ अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कीजिए। साथ ही साथ उसने अपने जो दूसरा पक्षी भाई था उसके बारे में भी बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड बिहेव। जो ऋषि थे उन्होंने किस तरीके से दोनों पक्षी जो थे उनके व्यवहार को एक्सप्लेन किया था, राजा को बताया था। तो इसके आंसर में आप, तो जो ऋषि थे उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक्सप्लेन किया दोनों पक्षियों के व्यवहार को, कि आफ्टर ऑल, ये कहते हुए कि आफ्टर ऑल कोई भी इंसान जो है वो अपनी संगत से जाना जाता है, कैसे लोगों की संगत है, किस तरह के लोगों को उसने अपना दोस्त बनाया है, अच्छे लोगों को बनाया है या बुरे लोगों को बनाया है। अगर अच्छे लोगों को बनाया है तो कुछ ना कुछ अच्छाई उसके अंदर जरूर आएगी, और अगर बुरे लोगों के साथ वो रहता है, कोई भी इंसान हो भले, तो बुराई भी उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंट आएगी ही। उसके बाद जो एक्सप्लेन करते हैं दोनों पक्षियों के बारे में, दैट द फर्स्ट
बर्ड ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्ट, जो पहला पक्षी था वो हमेशा रॉबर्ट्स की बातों को सुनता था, लुटेरों की बातों को सुनता था। एंड इमिडिएट्स देम इट टॉक अबाउट रोविंग पीपल, और उन्हीं की नकल करता था और कहता था लोगों को लूटने के लिए, उसी बारे में बात किया करता था कि किस तरीके से लोगों को लूटा जाए। द अदर बर्ड रिपीट्स दैट ही ऑलवेज हर्ड एंड सो वेलकम पीपल टू द आश्रम, और जो दूसरा पक्षी था वो क्या सुनता था, वो आश्रम में गिरा था तो आश्रम में ऋषि की ही बातें सुनता था, किस तरीके से वो अच्छे से व्यवहार करते हैं, कैसे लोगों से ट्रीट करते हैं, तो उसी तरह से वो बातें करता था। ओके, ऋषि जो कहते थे उसी को वो रिपीट करता था, हमेशा लोगों का स्वागत किया करता था, आश्रम में उनको कंफर्टेबल महसूस कराया करता था, खाने पीने के लिए पूछा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, ये जो पूरी कहानी है इस कहानी का आखिर निचोड़ क्या है, क्या इससे हमें सीख मिलती है, क्या मॉरल है इसका। तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस ऑप्शन में से जो फर्स्ट टेबल है सेकंड वन, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि कोई भी इंसान जाना जाता है अपनी संगत से, कि कैसे लोगों की संगत में वो रहता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लिख कर लर्न कर सकते हो। लर्न करने के लिए आपको क्या करना है, रिपीट करना है, बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करना है, लेकिन समझ कर, समझना बहुत जरूरी है, जब आप समझ लोगे तो इजिली वो आपको लर्न हो जाएगा। ओके, एंड अगेन आई एम सेइंग कि इस स्टोरी को जरूर आप देखें जिससे कि आपको इजिली समझ आ जाए। ओके, तो नाउ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।